आज हमारा थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विच इज प्लाज्मा स्टेट। आज तक जो चीज़ हम पढ़ते आए हैं दैट इज कि मैटर की तीन फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन आज हम इसके कॉन्सेप्ट के अंदर एक चौथी स्टेट भी इस मैटर की ऐड करने जा रहे हैं विच इज प्लाज्मा स्टेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे हमारे बुक में इस लेवल के ऊपर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेगा, थोड़ी सी एप्लीकेशन और थोड़ा सा समझाएगा कि इसके अंदर क्या होता है। तो अभी भी हम उतना ही जानेंगे जितना हमें जानने की इस लेवल पे ज़रूरत है। वो कहता है जी कि विलियम क्रोक्स वॉज द साइंटिस्ट जिसने जो है 1879 के अंदर इस स्टेट को दरियाफ्त किया, आइडेंटिफाई किया, उसने बताया। अब वो कहता है जी कि हमारी जो सी प्लाज्मा स्टेट है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और हमारी डेली लाइफ के अंदर इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। ज़मीन के ऊपर नेचुरली ये इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वर्ल्ड वाइड से मुराद मतलब यूनिवर्स में, स्पेस में इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी की मदद से हमने मैन मेड इन्वेंट्रीज भी काफ़ी सारी हमने कर ली हुई हैं, मैन मेड एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिसके अंदर प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा स्टेट जो होती है वो इन्वॉल्व हो रही है। साइंटिस्ट वगैरह ने स्पेशल चैम्बर्स बनाए हुए हैं जिसमें प्लाज्मा स्टेट पर काम हो रहा है। हमारे इर्द गिर्द जो बेसिक मोस्ट एग्जाम्पल है जिसमें पाई जाती है प्लाज्मा स्टेट दैट इज फ्लोरिसेंट लाइट्स होती हैं जो सी उनके अंदर, नियॉन साइंस जो नियॉन के बल्ब्स होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सी नेचुरली हमें नज़र आती है वो जो बिजली की कड़क चमक होती है, जो बिजली होती है हमें जब तूफान में नज़र आती है उसके अंदर भी प्लाज्मा स्टेट होती है। अब प्लाज्मा होती क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वट इज़ प्लाज्मा या हाउ इज़ प्लाज्मा फाउंड, ये बनता कैसे है। हमें पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैं अगर हीट करूं इस डायरेक्शन में तो सॉलिड सबसे पहले कन्वर्ट होगा लिक्विड के अंदर, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस के अंदर। अगर मैं गैस को फर्दर हीट करता जाऊं और एक ख़ास टेम्परेचर तक ले जाऊं तो एक वक्त आएगा कि अब ये प्लाज्मा स्टेट बन जाएगी। प्लाज्मा स्टेट में होता क्या है, बेसिकली प्लाज्मा स्टेट में होती है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का क्या मतलब है कि एक अगर एटम है उसमें से मैंने उसके ऊपर, ये न्यूट्रल था, मुझे इस एटम के ऊपर कोई ना कोई चार्ज लेके आना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मैं कहूँगा ये क्या बन गया, आयन बन गया। इसकी डिटेल हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ गए हैं कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव होता है किसी भी एटम के अंदर से तो वो आयन बन जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि आप जब इसको बहुत ज़्यादा हीट अप करते हैं गैस को तो उसमें से जो सी इलेक्ट्रॉन है ई माइनस वो नॉकआउट हो जाता है बाहर। अगर ये आपका एक एटम है इसको मैंने हीट किया तो इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा, सही। ये तो हो गई आयनाइजेशन, ये तो नॉर्मल फिनोमेना है हमारे यहाँ यहाँ पे होता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है जब गैस को बड़े स्केल पे आप हीट अप करते हैं तो काफ़ी सारे आयंस बाहर निकल जाते हैं। जब आयंस बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स का एक पूल, एक क्लाउड जो होता है वो मौजूद होगा। अब नेचुरली जब आप हीट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि तमाम के तमाम जो उनसे एटम्स हैं वो आयनाइज हो जाएं, कुछ जो उनसे हैं वो उसी शक्ल में रहते हैं, ठीक है, कुछ न्यूट्रल एटम की शक्ल में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ों का जो मिक्सचर है दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, आयंस पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद होता है, नेगेटिव चार्ज भी मौजूद होता है, और ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है। ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर, इसकी मौजूदगी ये इसको बड़ा ही यूनिक किस्म का मटेरियल बना देती है, और ये हमें बहुत ज़्यादा इसकी जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें बहुत ज़्यादा जो है हेल्प आउट करती हैं
डिफरेंट चीज़ों को समझने में, और इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि ये एक डिस्टिंक्ट स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स भी मौजूद हैं और ओवरऑल वो न्यूट्रल भी है। आप अपनी बुक में अगर एक डायग्राम देखें तो वो बात कर रहा है किसी एक गैस की। वो कहता है जी कि ये जो गैस थी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में मौजूद है एट से 25 डिग्री सी के ऊपर, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है। आप अब इसको क्या करके ले गए, आपने इसको हीट अप किया 2000 डिग्री सी तक, 2000 डिग्री सी के अंदर ये अब डायटोमिक नहीं रही, ये एटॉमिक हो गई है, एटम अलग अलग हो गए। और अगर आप इसको 1,00,000 डिग्री सी तक मजीद हीट कर दें तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आयंस भी होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और इसके अंदर एटम्स भी होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, आयंस भी मौजूद हैं और न्यूट्रल एटम्स भी मौजूद हैं। अब ये सारी चीज़ क्या बन चुकी है, ये प्लाज्मा बन चुकी है। तो प्लाज्मा कैसे बनता है, जिसके अंदर मिक्सचर होते हैं तमाम चीज़ों के। इसको इस कॉन्सेप्ट को हम इस तस्वीर की मदद से समझते हैं। इसमें अगर आप देखें सॉलिड था, ये सॉलिड के सारे एटम, ये देखें ये जो नीचे साइन देख लेते हैं, ये सिंपल जो सर्कल है दिस इज फॉर मॉलिक्यूल, जिसके मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में एक दूसरे में आपस में पैक्ड है, सही है। इसको आपने, इस एरो का मतलब है एनर्जी और टेम्परेचर, आपने इसको टेम्परेचर दिया, ये चेंज हो गया लिक्विड के अंदर। लिक्विड में जाने से क्या हुआ कि मॉलिक्यूल जुनते हैं पैकिंग से निकल के डिफरेंट रैंडम शेप्स में आ गए। उसके बाद आपने इसको फर्दर हीट किया, टेम्परेचर एनर्जी दी, ये गैसियस फॉर्म में आ गए, मॉलिक्यूल्स टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, अलहदा हो गए और एक दूसरे से दूर दूर चले गए। इसको आपने फिर मर्दर थ्री फोल्ड फर्दर आपने जब इसको एनर्जी और टेम्परेचर दिया तो इसके अंदर देखें प्लाज्मा बन गया। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसके अंदर मॉलिक्यूल मौजूद है जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, इसने बहुत ज़्यादा एनर्जी तो ले ली है लेकिन वो है अभी मॉलिक्यूल ही। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद हैं, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि आयन बनने के बाद निकल गए थे, और इसके अंदर मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट मौजूद है, ये जो उनसे ये इसने चीज़ें मेंशन की। तो ये इन सारी चीज़ों का मिक्सचर क्या बना देता है, इसको प्लाज्मा बना देता है। तो ये प्लाज्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई एनर्जी फिजिक्स में इसकी बड़ी एप्लीकेशन हमें मिलती हैं। तो ये एक फोर्थ स्टेट है हमारे पास प्लाज्मा की। तो यहाँ तक हमें ये कम अज़ कम क्लियर हो जाना चाहिए कि प्लाज्मा होता क्या है और कैसे फाइंड आउट होता है, बनता कैसे है। हाई टेम्परेचर के ऊपर जब गैस को हीट करते हैं तो आयंस बन जाते हैं, आयंस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट्स, ये सारी चीज़ें मिल मिला के हाई टेम्परेचर के ऊपर प्लाज्मा को शक्ल देती। तो ये तो था प्लाज्मा। अब हम जाते हैं कि आर्टिफिशियल और नेचुरल प्लाज्मा। आर्टिफिशियल नेचुरल, आर्टिफिशियली हमारी अर्थ के ऊपर जोनते हैं, ये हम आगे भी बात करके आगे हुए हैं, नियॉन साइंस जोन सा है उनके अंदर, नियॉन साइंस बेसिकली नियॉन की लाइट्स होती हैं जिनके अंदर नियॉन गैस भरी होती है और जब हम उन्हें चलाते हैं तो उसके अंदर प्लाज्मा जो है वो बन जाता है। इसी तरह हमारे पास जोन सा है प्लाज्मा जो है एग्जिस्ट करता है हमारे पास फ्लोरेसेंट लाइट्स के अंदर। फिर वो कहता है जो नेचुरल प्लाज्मा है, नेचुरल जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर बनेगा, क्योंकि गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है ताकि जो है वो प्लाज्मा जो है वो बन सके। वो कहता है जी नेचुरल प्लाज्मा जो है वो जो नेचुरल होता है उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है कि डू नॉट ब्रेक डाउन रैपिडली, जल्दी ये ख़त्म नहीं होता, टूटता नहीं है, और एक्सट्रीमली हॉट होता है जो कि 20,000 डिग्री सी मिनिमम से शुरू होता है। कम से कम जो प्लाज्मा का नेचुरली टेम्परेचर होता है वो 20,000 डिग्री सी होता है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ये किसी भी चीज़ के साथ जब टच करते हैं तो उसको वेपराइज कर देते हैं, उसको मेल्ट कर देते हैं, उसको उड़ा के रख देते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो ये तो था नेचुरल और आर्टिफिशियल जो होता है प्लाज्मा। अब बात आती है, अगला आपकी बुक में हेडिंग भी है, करेक्टरिस्टिक, प्लाज्मा की खसूसियात क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। अब वो कह रहे हैं जी प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो तो हमने पढ़े हैं। चार्ज पार्टिकल्स का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मौजूद होते हैं, इनकी मौजूदगी की वजह से ये ख़ास तौर पर रिस्पॉन्स करते हैं इलेक्ट्रिकल
एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स को जो है ये एक खास यूनिक प्रॉपर्टीज इनकी जो उनसे आती हैं उनकी वजह से हमारे ये इस्तेमाल में जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं और ये समटाइम्स बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी हो जाते हैं। अब हमें पता है कि इनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं तो उनकी मोशन से क्या होगा, जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड जो होती हैं, अगर आप फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो पैदा होती हैं जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, उसकी वजह से हम उनको यूज़ करते हैं अपनी डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर। मोशन से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है और ये मोशन किस पे डिपेंड कर रही है, प्लाज्मा डेंसिटी के ऊपर, कि प्लाज्मा की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होगी और उसके हिसाब से हम उस प्लाज्मा की कोई ना कोई एप्लीकेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर दूसरी जो बात कर रहा है वो कह रहा है जी कि ये मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने बात की कि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड भी इस्तेमाल पैदा होती हैं, लेकिन ओवरऑल मैक्रोस्कोपिकली बड़े लेवल के ऊपर आपका प्लाज्मा न्यूट्रल होता है। तो ये जो उनकी दो एक दूसरे को कंट्राडिक्टिंग बातें हैं ये इसको बड़ा ही यूनिक बना देती हैं और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन जो होती हैं वो निकल आती हैं। अब आगे वो बात करता है इसकी अकरेंस की कि किधर किधर पाया जाता है, कैसे कैसे पाया जाता है, वेयर इज प्लाज्मा फाउंड। वो कह रहे हैं जी कि प्लाज्मा जो है सबसे पहली फॉर्म है, इट एग्जिस्टेड बिफोर एनी अदर फॉर्म। किसी भी और फॉर्म के एग्जिस्ट करने से पहले प्लाज्मा जो है वो एग्जिस्ट करता था, ये वेरी फाउंड। अब ये कह रहा है जी कि हमारी जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट सब की सब क्या बनी हुई है, प्लाज्मा की बनी हुई है। कह रहा है प्लाज्मा इज फाउंड फ्रॉम सन टू क्वार्क्स। सन एक प्लेनेट है, ठीक है, हमें पता है, एंड क्वार्क्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। तो वो कह रहा है जी प्लाज्मा स्टेट हर एक, मतलब इसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा, हर जगह तकरीबन ये पाई जाती है। फिर वो कहता है जी कि जितने भी स्टार्स हैं, स्टार्स का जो मटीरियल है, स्टार्स किसके बने होते हैं, स्टार्स प्लाज्मा के बने होते हैं। वो कह रहा है हर स्टार जो शाइन करता है दैट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। और उसका क्या मतलब है कि 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख किलोमीटर का अगर मेरे पास एक बॉल हो जिसका डायमीटर क्या हो, 1.5 मिलियन किलोमीटर, बॉल ऑफ प्लाज्मा होता है क्या, स्टार। स्टार की डेफिनेशन कह रहा है स्टार इज 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ डायमीटर जो कि प्लाज्मा का बना होगा। और इसकी हीट कहाँ से आ रही होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन से, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हीट आती है और वो प्लाज्मा इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन रहता है। रही बात अब अर्थ की, मतलब साबित हुआ कि स्पेस तो सारी की सारी तकरीबन प्लाज्मा से बनी हुई है। अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ के अंदर ये लिमिटेड प्लेसेस के अंदर मौजूद है, जैसे कि लाइटनिंग बोल्ट्स। लाइटनिंग बोल्ट्स का मतलब है जो बिजली की कड़क चमक होती है उसके अंदर ये पाई जाती है। फिर ये फ्लेम्स के अंदर थोड़ी सी, और एरोराज, ये एक खास किस्म की लाइट होती है जमीन पे किसी अक्सर जगहों पे नजर आती है, उसके अंदर प्लाज्मा पाइप फाउंड होता है, और फ्लोरिसेंट लाइट्स के अंदर, नियॉन साइंस के अंदर। तो ये तो है अकरेंस की बात। अब आखिरी जो थोड़ी सी उसमें एप्लीकेशंस बता रहा है आपके बुक में कि ये यहाँ पे हमारे यहाँ इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, काफ़ी सारी एप्लीकेशन उसने समराइज की हैं। सबसे पहले क्या है, फ्लोरिसेंट बल्ब। फ्लोरिसेंट बल्ब के अंदर क्या होता है, अगर ये एक बल्ब है तो इसके अंदर हमने गैस भरी हुई है, गैस को जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या हो जाता है, वो गैस जो होती है हीट अप होके गैस से प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, और ये प्लाज्मा क्या करता है, ग्लो करना शुरू कर देता है और प्लाज्मा में से आपको लाइट मिलना शुरू हो जाती है। कह रहा है जी लॉन्ग ट्यूब के अंदर गैस भरी होती है जिसको आप स्पेशल एनर्जी देते हैं और चार्ज कर देते हैं गैस को, गैस क्या हो जाती है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है और प्लाज्मा जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है बल्ब के अंदर। इसी तरह नियॉन साइंस हैं, वो भी लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं
जिनके अंदर आपने क्या भरा होता है? नियॉन गैस। जब आप उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं नियॉन गैस को, वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, और प्लाज्मा में जब वो कन्वर्ट हो जाती है तो खास कलर से वो ग्लो करना शुरू कर देती है। नियॉन साइंस का क्या मतलब है? अगर कभी आप देखें किसी होटल के बाहर या किसी बड़ी इमारत के बाहर जो उनके नेम लिखे होते हैं जो बिजली से चमक रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, इस तरह जो आप देखते हैं कि वो लिखे होते हैं और वो चमक रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइंस जिनको हम कहते हैं, वो नियॉन साइंस होते हैं। उनके अंदर प्लाज्मा जो है एक्ट कर रहा होता है, नियॉन गैस भरी होती है, और जब बिजली देते हैं तो वो चार्ज होकर प्लाज्मा बन जाती है और एक खास कलर में ग्लो करना शुरू कर देती है। ग्लो का कलर डिपेंड करेगा गैस के ऊपर कि कौन सी गैस आपने भरी है। नियॉन भी भरते हैं समटाइम्स हम, आर्गॉन और डिफरेंट और क्रिप्टॉन वगैरह गैसेज हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं जी प्लाज्मा जो है वो काफ़ी सारी उसकी एप्लीकेशन है, प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल होता है। फिर ये इस्तेमाल होता है स्टेरिलाइजेशन में, स्टेरिलाइजेशन किसकी? ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स की। फिर इसका इस्तेमाल आ जाता है लैंप्स के अंदर, वो हमने भी पढ़ लिया है। फिर आता है लेजर्स, फिर आता है डायमंड कोटेड फिल्म्स के अंदर। इन सब की प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं जो है प्लाज्मा आपके पास इस्तेमाल होता है, पावर स्विचेस वगैरह के अंदर। तो ये उसने कुछ वर्ड मतलब एप्लीकेशन मेंशन कर दी हुई है, हमें इनको एज इट इज़ याद करने की ज़रूरत है, हमें इनकी डिटेल में नहीं जानना कि सेमीकंडक्टर की प्रोसेसिंग में किस जगह कैसे इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वो कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, यहाँ पे मेंशन उसने नहीं किए, ना हमें इतनी डिटेल में जाने की उस ज़रूरत है। फिर वो कह रहे जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मेशन में भी प्लाज्मा जो है हमारी हेल्प करती है, फ्रॉम फ्यूजन कंट्रोल, फ्यूजन पोल्यूशन कंट्रोल। ये एक नई टेक्निक है जिससे हम बिजली पैदा कर रहे हैं, तो इसका नाम भी उसने जो है मेंशन कर दिया। फिर कह रहा है हमारे ऑफिसेज और होम्स के अंदर जो है लाइटनिंग की वजह हो रही है, किसकी वजह से? प्लाज्मा की वजह से। प्लाज्मा के नियॉन साइंस वगैरह हम यूज़ करते हैं, हमें जो लाइट वगैरह मिलती। तो ये कुछ एप्लीकेशन उसने मेंशन की हैं, और एंड पे वो एक छोटा से फ्यूचर होराइजन के नाम से कुछ बता रहा है। वो क्या है? फ्यूचर होराइजन्स, होराइजन्स कहते हैं उफक को, जब दूर, उफक वो जगह होती है जहां पे सूरज और जमीन मिल रहे होते हैं। अगर आप दूर कहीं देखें तो आसमान और सूरज, सूरज कह रहा हूँ, आसमान और जमीन जो है वो एक जगह पे मिल रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उफक होराइजन। फ्यूचर होराइजन का क्या मतलब है कि प्लाज्मा एक ऐसा मटीरियल है जिससे आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी और इसमें बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। ये कैसी फील्ड है जिसमें फर्दर स्टडीज जो होती हैं वो की जा सकती हैं और रिसर्च वर्क किया जा सकता है, और आने वाले वक्तों के अंदर ये बहुत ज़्यादा ही सूटेबल मटीरियल जो है वो साबित हो सकता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा है कि मेटास्टेबल स्टेट का नाम लेगा इसको, अगर आप पढ़ेंगे ना, मेटास्टेबल स्टेट वो होती है कि जब आप किसी भी एटम को एक्साइट कर देते हैं, जब एनर्जी देते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के दरमियान में एक स्टेट होती है, दैट इज मेटास्टेबल स्टेट। वो स्टेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जो उनका है हमारे पास फ्यूचर होराइजन से थोड़ा सा डिटेल था। ये आखिरी टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लंबा क्वेश्चन तो इसमें से चांसेस कम ही हैं कि आए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है अबाउट प्लाज्मा वो क्लियर होना चाहिए कि प्लाज्मा क्या होता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसके साथ ही हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है, वो हमने कवर सारा का सारा कर लिया। नेक्स्ट टाइम हम अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि लिक्विड और सॉलिड्स के बारे में है उसको स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इसमें हमने गैस लॉज पढ़े, डिफरेंट गैस लॉज 4-5 हमने पढ़े थे। वो उनको स्टडी करने के बाद फिर हमने उनके अंदर, उसी के अंदर हमने जनरल गैस इक्वेशन भी पढ़ी, जनरल गैस इक्वेशन जिसके साथ हमने आर वगैरह की चीज़ें पढ़ी। फिर हमने जो मेन चीज़ स्टडी की वो थी जी काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी स्टडी की, उसके अंदर उसका सारा का सारा डिफरेंट गैस लॉज को प्रोड्यूस किया, उसके पोस्टुलेट्स वगैरह देखे, फिर उसके अंदर डिफरेंट डेरिवेशन देखी। फिर जो मेन टॉपिक हमारा था वो था लिक्विफिकेशन का, गैस की लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन के बाद हमने जो है उसका आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर देखा, और एंड पर हमने उसकी
प्लाज्मा स्टेट के बारे में स्टडी किया। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में स्टडी की हुई हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करेंगे।